इस वेले की वड्डी खबर जिहड़ी आ उह कैनेडा तो सामने आ रही है जिथे कि करीब 3000 दे नेड़े जिहड़े बच्चे ने उन्हां दा कैनेडा जाण दा सुपना जिहड़ा है उहदे उपर गाज डिग गया। सुपना जिहड़ा है उह साकार हुंदे हुंदे रह गया। जी हाँ, बहुत वड्डी खबर जिहड़ी सामने आ रही है। इस तों पहलां भी बड़ी बार गल सामने आई है कि बच्चे जिहड़े ने उह उत्थे जाण दे जिहड़ा सुपना हुंदा सी उन्हां दा, पर उत्थे जा के जिहड़ा है पहलां भी 700 दे करीब जिहड़े बच्चे सी उन्हां दी डिपोर्टेशन जिहड़ी आ उह हो रही सी। ते हुण जिहड़ी गल सामने आ रही कि इक्को ही कॉलेज वल्लों करीब 3000 दे नेड़े जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी एडमिशन कैंसल कर दी गई है। एन मौके ते बच्चों वालों वीज़ा जिहड़े अप्रूव हो गए सी, उन्हां वालों टिकट्स लै लीतियां गईयां सी, उन्हां वालों उत्थे जा के रहण दा खर्चा जिहड़ा वह भी दे दिता गया सी। ते इह सारा खर्चा हुण जिहड़ा बच्चों के सिर ते पैणा है। की पूरा मामला है जाणदे हां जी साडे नाल हनीश उप्पल जी ने। सर, बहुत वड्डी खबर आ रही है, बच्चे जिहड़े ने उन्हां दा बाहर जाण दा सुपना हुंदा, बच्चे जिहड़े आ उह इत्थों दी किन्नी मेहनत करदे ने, आइट्स क्लीयर करदे ने, बच्चे इन्ने इन्ने डॉकूमेंट्स अपने कंप्लीट करदे ने, उत्थे जाण दा सुपना हुंदा, ते इक्को दम कॉलेज वल्लों इह इनफॉर्मेशन आणी की है पूरा मैटर। सर, ये ना बेसिकली नॉर्दन कॉलेज है ब्रैम्पटन के ओंटेरियो, उत्थे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी नॉर्दन कॉलेज इन्होंने सितंबर 2023 के इंटेक के एडमिशन हुई थी, उन्होंने बच्चों ने अपने वीजे जोड़े हाई कमीशन तो ग्रांट कर ले सके। हूँ ये टाइम सेगा उन्होंने ट्रैवल करन दा, तो हूँ कॉलेज वालों हर एक बच्चे नूं नहीं, कई बच्चों मेल आनी शुरू हो गई कि तुहाडी सीट जिहड़ी आ साडे कोल नहीं हैगी, तो तुसीं अपना इंटेक जिहड़ा चेंज करो, असीं हुण तुहानूं इस इंटेक च नहीं सद सकते। हुण होया कि जिहड़े बच्चों की फ्लाइट्स बुक सी, जिहड़े बच्चों ने उत्थे रहण दा अकोमोडेशन बुक कराता सीगा और बिना रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने बुक कराया, जिस करके उन्होंने बहुत वड्डा नुकसान हो रहा बच्चों का। सर, जे कॉलेज दे विच सीट्स पहला ही नहीं सी हैगियां ते उन्होंने इन्नियां सारियां सीटां बच्चों नूं दित्तियां क्यों? जे बच्चे अप्रूव हो चुके सी फिर बच्चे उत्थे जाण लगे, उन्हां नूं क्यों दस्सिया जांदा कि तुहाडे कोल सीट नहीं हैगी? देखो सर, एक प्रैक्टिकल जिहा ना सिस्टम पिछले कई सालों तो कैनेडा चल रहा, जिन्ने कैनेडा दे पब्लिक कॉलेज है तुसीं इहनूं कंपैरिजन जिद्दां इंडिया नाल भी कर सकते हो, वो हर एक कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज 2000 सीटें हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2000 सीटों वाला कॉलेज अप्रोक्सीमेटली 3500-4000 ऑफर लेटर जनरेट करता है। जिन्हिया ऑफर लेटर आदि उन्ने वीज़े तो हाई कमीशन नहीं देती क्योंकि वीज़ा का रेशो घटता ही है। सितंबर 2023 के लगभग जिन्हें भी पब्लिक कॉलेज हैं या जिन्हें बच्चों के वीज़े रिफ्यूज हुए हैं उन्होंने वीज़ा ग्रांट हुए हैं, उनका इंपैक्ट की पाया, कॉलेज को सीटा नहीं है, कॉलेज को वो सिस्टम नहीं है कि तुम चार बच्चे वध आ गए उन्होंने बिठा एडजस्ट कर लूँगा, तो एडजस्टमेंट वाला सिस्टम ही नहीं है। तो कॉलेज ने की किया, कॉलेज को बच्चों के वीज़े ज़्यादा ग्रांट हो गए, वीज़े अंबैसी वालों जो ग्रांट होए तो उस समय अंबैसी यूनिवर्सिटी ने यह नहीं देखा कॉलेज ने कि जेडे बच्चों के वीज़े अंडर प्रोसैस है उन्होंने पहला डैफर कर लिया जाए। कॉलेज ने की किया, कॉलेज ने जिन्हें वीज़े लगे गए उन्होंने सारे बच्चों एडमिशन दी गई, पर हूँ जो इनरोलमेंट की वारी आई तो हर एक कोर्स 500-700 सीट्स होंगी हैं और बच्चा लगा वाले बहुत ज़्यादा है, तो कितने कितने उन्होंने बच्चों उत्ते रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। हूँ उन्होंने बच्चों उत्ते उन्होंने ऑप्शन था कि तुम जो अपना बच्चों की मेल आई डी उत्ते मेल आ रही कि तुम अपना जो इनटेक है डैफर करा लो, तुम ये वाले इनटेक अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, इन कॉलेज का बहुत वड्डा फॉल्ट है, बहुत वड्डा फेलियर है कॉलेज। कॉलेज में पता सीगा कि बच्चों के PPRs आ गए, कॉलेज में पता सीगा कि इन्हों के वीज़े अपडेट हो गए हैं, ईवन कि बच्चों ने अपनी आइडिया तो मेल्स भी कीतियां होणगियां, बट कितें ना कितें प्रॉब्लम जी आई वो दोनों पासों आई, क्योंकि असी लगातार इस चीज़ को मैं हमेशा ही गल कहना कि जब तक बच्चे की इनरोलमेंट ना हो ट्रैवल का प्लैन ना करे, बिकॉज कैनेडा के है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है बच्चों की, बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, इनिया सीटियां नहीं सीटा नहीं होंगी जिन्हें बच्चों के वीज़े ग्रांट हो रहे, तो बच्चों यही चाहिए यार कि तुम अगर ट्रैवल कर रहे हो एटलीस्ट थोड़े को इनरोलमेंट लैटर रजिस्ट्रेशन लैटर होनी चाहिए है। बहुत सारे स्टूडेंट करते बिना रजिस्ट्रेशन तो अपनी टिकटा बुक कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट की करते जो इनरोलमेंट लैटर भी नहीं आई होंगी, कोर्स सब्जेक्ट भी नहीं चके होंगे, उस तो बिना ही टिकट बुक करके ट्रैवल प्लैन कर लेंगे, उन्होंने बहुत वड्डी उन्होंने उत्ते दिक्कत आई क्योंकि बच्चे हुण ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। उस इंटेक लिए किन्ना क जिहड़ा अप्रोक्सीमेट खर्चा जिहड़ा वो इन्हां दे उपर पिया है, किन्ने किन्ना नूं मार पई है? देखो सर, हुंदा की है टिकट बुक कराउंदा 1.5 लाख रुपये टिकट है, बहुत सारे बच्चों ने अपना अकोमोडेशन बुक कराया होगा, बहुत सारे बच्चों ने उत्थे जिहड़ा इंतजाम करा रहन दा उहनूं पिकअप का इंतजाम कराया कि कोई ना कोई रिश्तेदार तू मैनूं लैण आ जाईं, तो बहुत सारे बच्चे हैं नुकसान की तो गल ही करो ना, देखो 1.5 लाख टिकट 2-2.5 लाख का बच्चा नुकसान हो गया। दूजे पास नॉर्दन कॉलेज ये भी स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर तुम रिफंड लेना चाहते हो असं तुम्हें पैसा रिफंड कर देंगे, तो कॉलेज में भी पता है कि मेरा बच्चा लॉस्ट हो रहा है, कॉलेज में पता है कि मेरा बच्चा हूँ मेरे हाथों निकल रहा है, तो वो डेफिनेटली बच्चों को ऑप्शन देगा, या तो बच्चों को ऑप्शन ये होएगी कि अपना इनटेक डेफर करेंगे, या बच्चों को ऑप्शन होएगी डेफर करेंगे, या बच्चों को भी ऑप्शन होगा अपना कोर्स जोड़ा रेलीवेंट वो चूज़ कर लें, तो डिपेंड करता है कंसल्टेंट बच्चों ने की तालमेल बिठाता है। तुसी एज ए कंसल्टेंट तुहाडे कोल इन्ना एक्सपीरियंस है, तुसी की जिहड़ा बच्चों राय दोगे कि उन्होंने की करना चाहिए? देखो, बड़े क्लीयर है सर, मैं एक फिर कहना नुकसान होया उनकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, बट हुण सवाल यह है कि आप थोड़ा बैकग्राउंड से जाइए, स्टार्टिंग है 700 बच्चों का, 700 बच्चों का मैटर एक अलग है, बिल्कुल अलग मैटर है,
इस मैटर दे विच की है कि जिहड़ा बच्चा जिस कोर्स लई गया है वो ये समझना बहुत जरूरी है उन्होंने वीज़ा उस कोर्स के बिहाफ से मिले। हुण की होएगा मेरे हिसाब दे नाल, हुण ये होएगा कि जिहड़े बच्चे नॉर्दर्न कॉलेज के होणगे होर थोड़ी देर होर एक अद्ध दिन दे विच सोशल मीडिया उत्ते सारे कलसन आ के रोला पाउण लग जाणगे कि तुहाडा अगर ऑफर लैटर कैंसल होया मेरे को आओ मैं तुहानू वीज़ा मैं तुहानू एडमिशन दवा दाँगा। तुसीं थोड़ा बैकग्राउंड जाओगे मॉन्ट्रियल क्यूबिक दे विच वी होया सीगा कि तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज हो गया मेरे को आओ मैं तुहानू किसी होर कॉलेज एडमिशन दवा देना। बच्चों नूं की चाहिए, बच्चों नूं बड़ा क्लीयर ये चाहिए जिहड़े कॉलेज विच उहनां दा वीज़ा आया पहलां तां उह अपने इनटेक नूं डैफर कर लैण, यानी सितंबर दा बच्चा अगले इनटेक जिहड़ा मिलदा उह जैन इनटेक दे विच करे। पर दूजे पासे बहुत सारे कोर्सेज इदां नूं जिन्हां दे रेलेवेंट कोर्स सितंबर लई स्टिल ओपन होणगे, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने डाटा बेस कोई आई टी दा प्रोग्राम लिता उहनूं नॉर्दर्न कॉलेज कोई होर आई टी दा प्रोग्राम मिल सकदा तो वह भी कर सकता है। तीसरी ऑप्शन होंदी है बच्चे नूं रिफंड लैण दी कि अपने कॉलेज तों रिफंड लै ले। पर अगर तुसीं ये सोचो कि जिहड़ा बच्चा जिस एजुकेशन बैकग्राउंड ते वीज़ा लिता है अगर उसके ऑपोजिट कोर्स करन जाएगा तो उनका नुकसान कितना बड़ा है। कोई बच्चा आई टी का प्रोग्राम ले तो इंडिया तो वीज़ा लिता, वीज़ा लग गया किसी कारण ये नॉर्दर्न के इशू के हिसाब से ला लो कि उनका सीट कैंसल हो गई। हूँ बच्चा कहता मैंने तुम आई टी के प्रोग्राम से भी जाए मैंने तो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स से ट्रैवल करा दो, वो अपनी टिकट के बचाने के चक्कर बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स भी ले लेगा, नॉर्दर्न शायद उन्होंने एडमिशन भी दे दे। पर जदों बच्चा कैनेडा जाएगा उन्हूं ड्यूरिंग स्टडी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हूं वर्क परमिट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जदों पीआर लेगा तो उनकी फाइल उत्ते बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब कितने ना कितने आप कह लिए कि जो 700 बच्चों की आप गल की है एक केस उन वो बन जाना है, वो कन्वर्ट हो जाना कि बच्चों नूं ये चाहिए कि तुहाडा अगर ये इशू आ गया तुसीं अपने कल्चर नाल तालमेल करो, तुसीं एडवरटाइजमेंट नूं छड्ड के हुण ये देखो कि इहदा सोल्यूशन की है। सोल्यूशन तीन होणगे, पहला तुसीं अपना इनटेक नूं डैफर कर लो, दूसरा तुसी अपने कोर्स से रेलेवेंट कोई कोर्स ले लो जो सेम कॉलेज, तीसरा अगर तुहाडे कोल कोई हल नहीं है फिर तुहाडे कोल लास्ट ऑप्शन ही होगी तुहानू उत्थों रिफंड लेना पेगा तो नवे सिरे तों एडमिशन करानी पड़ेगी। हुण तुसी देखो अगर तुसी रिफंड किसी कॉलेज तों लैके किसी होर कंसलटेंट या मेरे कोल भी आ जाने हो तो मैं भी तुहानू जनवरी इनटेक ही दवाऊँगा, बिल्कुल तो वो रिफंड वाले प्रोसैस से क्यों गुजरी है। असीं तो बच्चे चाहिए कि डैफर कर लैन या रेलेवेंट कोर्स ले लैन, ये दो ऑप्शन दे नाल बच्चा अपलाई करे, जिहड़ा नुकसान हो गया उनका सोल्यूशन किसी को भी नहीं गा। बट दूजे पासे एक मैसेज उन्हां लई भी है जिहड़े होर बच्चे हैं होर कॉलेजां दे हैं कि बिना एनरोलमेंट लैटर तो बिना रजिस्ट्रेशन लैटर तो तुसीं टिकट बुक ना कराओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही सितंबर इनटेक दे वीज़े स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। हुण बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है कॉलेज दे विच एनरोलमेंट लास्ट स्टेज उत्ते हुंदी है, बिना एनरोलमेंट लैटर तो तुसीं कराने हो तुहाडा नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि ये अज एक कॉलेज होया होर ही बहुत सारे कॉलेज होणगे जिहड़ां दा इशू आएगा। बच्चों नूं ये चाहिए यार तुसीं टिकट होंदा कि बच्चे अपने इत्थे कि सस्ती टिकट चक्करी जा जल्दी पहला टिकट बुक करा लो मैनूं 5,000-10,000 टिकट सस्ती मिलती, नो डाउट पैसा सब दे लई इंपॉर्टेंट है, बट दूसरे पासे ये कि नुकसान कितना वड्डा होया। बहुत सारे बच्चों ने उत्थे अकोमोडेशन बुक करा लिया उनके पैसे देते, बहुत सारे बच्चों ने अपने रिलेटिव नूं बुला लिया कि तुसीं मैनूं पिकअप कर लो, उन्होंने वो भी सिस्टम कर लिया, उन्होंने उत्ते कितनी वड्डी दिक्कत आई। तो बच्चों नूं चाहिए जदों तुसीं एडमिट ट्रैवल कर रहे हो जो तुहाडा वीज़ा आ गया वीज़ा की खुशी तो एक अलग है पर दूजी सब तो टेंशन तुहाडे नाल ना वीज़ा आंदे सर नाल ही टेंशन होनी चाहिए तुहाडी एनरोलमेंट लैटर हुई हुई है, क्या तुहाडी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, क्या तुहाडे कोल सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, क्योंकि वीज़ा आने तो बच्चा ना डॉक्यूमेंट इकट्ठे नहीं करता, उन्होंने लगता कि मेरा वीज़ा लग गया मैनू कॉलेज तो हूँ तो कॉलेज मैं सीट तो बिठाने ही पेगा। कॉलेज की पॉलिसी ये कहती है अगर कोई सीट नहीं है तो उन्होंने डैफर करना है, वो कहते हैं तुम सारा पैसा रिफंड कर देने। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्हों के वीज़ा लगने तो बाद कॉलेज ये कहता है कि मेरे को सीट नहीं हैगी और तुसी मेरे तो सारा पैसा रिफंड ले लो, बट दूजे पासे वही कॉलेज ये भी कहता होंगे कई बार वीज़ा लग गया तो मैं पैसे कट्टांगा, तो कॉलेज की कर रहा है कॉलेज पैसे ने वापस कर रहा, उस पैसे वापस करना बच्चे का फिर भी सोल्यूशन नहीं निकलना। तो बच्चों चाहिए कि अपने दो ऑप्शन नू चूज़ करके सही तरीके ठंडे दिमाग ना करन, इनू कोई बहुत ज़्यादा वड्डा वो ना समझन कि यार कि ये हुण इशू तो क्रिएट होया हुआ बिल्कुल पर इनका सोल्यूशन ही बच्चे नहीं निकालना। तो बच्चा अपने कल्चर नाल तालमेल करे और उस तो बाद डिसीजन लेके अपने इनटेक नूं डेफर कर सकते। ये आप एक कॉलेज की गल की कि नॉर्दर्न कॉलेज हैगा एक कि इदा के केसिस होर भी आ सकते हैं आने वाले दिनों। बहुत सारे कॉलेज हैं सर, बहुत जिन्हें कैनेडा के कॉलेज हैं जदों कपैसिटी तो वध बच्चों के वीज़े लग जाए या कपैसिटी तो वध बच्चे उत्थे ट्रैवल करनगे बच्चों को दिक्कत आएगी। मैं एक नाम लैसे कोई यूनिवर्सिटी है कैनेडा के जिन्हें मई 2023 का जिहड़ा बच्चा ईवन कॉलेज से मैं मई इनटेक की गल मई इनटेक दो तो तीन कॉलेज से जिन्हां ने बच्चों को वीज़ा लगना तो उत्थे कैनेडा पहुँचने बाद डैफर किया। बहुत सारे बच्चों ने उत्थे जाके अपने कोर्स चेंज किए, तो तुम कल्सरडेंट का तालमेल रखो, तुहाडा वीज़ा लग गया जिनी तुहानू खुशी है वो खुशी नू पूरा 100% करने लई तुहानू कल्सरडेंट तालमेल होना बहुत जरूरी है।
कंसलटेंट के नाल तालमेल रखो कि तुहाडी रजिस्ट्रेशन टाइम पर हो रही है, तुहाडा कोर्स प्रॉपर उही है, तुहाडे जिहड़े कोर्स सब्जेक्ट प्रॉपर मेड्यूल चके गए हैं, कल नूं तुहानूं ए रिपोर्ट के उत्ते या तुहानूं इदां दिक्कतां दा सामना ना करना पए।